सर दोस्तों, इस समय मेरी राजगीर श्री राम जन्मभूमि मुख्य गेट के पास है। नित्या का सपोर्ट करके जो भाई एक यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं दोस्तों, उन्होंने एक मीटअप रखा था श्री राम जन्मभूमि गेट पर और श्री राम जन्मभूमि के आरे बगल रखा था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं आपको अपडेट देने वाला हूं दोस्तों। उन्होंने मीटअप रखने के बाद भी यहां पर तमाम ऐसे उनसे ऑडियंस से मिलने आए थे दोस्तों। अगर आपको मीटअप रखना ही है तो दोस्तों, आप मीटअप रखने के बाद आपको लोकेशन बताना चाहिए या फिर आपको आना चाहिए। इस तरह से तमाम ऐसे लोग जो आपके ऑडियंस है, तमाम ऐसे ऑडियंस आपसे मिलने आते हैं, उनको परेशान ना करना। तो इस आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये मुख्य गेट है, यहीं पर उनका मीटअप था। आप चारों तरफ, ये मैं कैमरा मूव कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहीं पर उनका मीटअप था। लेकिन तमाम ऐसे दूर दराज से जो उनके ऑडियंसिस यानी कि वर्तमान समय में उनसे मिलने आए लोग दोस्तों, इस तरह से चाहे कोई भी यूट्यूबर है, चाहे बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे छोटे, इस तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर दूर दराज से। मेरा घर तो यहीं अयोध्या के पास ही है, लेकिन दोस्तों जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इस कड़ाके धूप में अगर उनसे मिलने आता है दोस्तों, उन्होंने अपना लोकेशन भी नहीं बताया, क्यों नियर राम मंदिर के पास ही रख दिया। लेकिन राम मंदिर के पास यही, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म बज रहा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। लेकिन आपको यानी कि आना चाहिए कि इस तरह से सभी आपको ऑडियंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कि क्योंकि आप यानी कि सभी ऑडियंस कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक लगाव रहता है कि हमारे चैनल के बारे में कुछ ना कुछ वो बताएंगे कि हमारा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बिरला धर्मशाला है, अक्सर यहीं पर तमाम ऐसे यूट्यूबर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी नहीं आए हुए, मैं लता मंगेशकर चौक भी गया, नया घाट गया, तमाम ऐसे जो अधिक जगह पर जो तमाम ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, मीटअप रखते हैं, वहाँ पर भी नहीं है दोस्तों। और उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में कल ही पोस्ट किया था कि हम 30 तारीख को अयोध्या में एक मीटअप हमारा है, सभी ऑडियंस वहाँ पर आएँ। लेकिन इस तरह से सभी ऑडियंस को धोखा नहीं देना चाहिए। किस तरह से अयोध्या वासियों को, सभी ऑडियंस को धोखा किस तरह से नित्या के सपोर्ट ने दिया दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है और किस तरह से लोगों को बेकूफ, तमाम ऐसे यूट्यूबर को किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया, आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें।